तेरा यह आसमान अब आलूद है, लेकिन ये याकूब की आंखें हैं जो बरस रही हैं। राहील 11 सालों से इस बच्चे की मुंतजिर है। 11 साल हो गए इसे फद्दान की औरतों के ताने सुनते सुनते। उसे कितना बुरा भला कहा गया, बांझ कहा गया और बेसमर कहा गया। काइन आजम मुझे माफ करिए, आज रात मैंने याकूब और उसके खानदान के बारे में ख्वाब देखा। मुझे तन्हा छोड़ दें। याकूब और उसके खानदान पर तमाम खुदाओं की लानत हो। याकूब का कुफ्र उसे ले डूबेगा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इश्तारे बुजुर्ग याकूब और उसके खानदान पर अपने गुस्से की आग बरसा दे। राहील और उसके बच्चे को आज रात ही नाबूद हो जाना चाहिए। फिर भी मैं राहील और अपने बच्चे की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं। फिक्र है तो इस बात की कि उनकी मौत अरबाब इख्तियार और बुतपरस्तों की खुशी का बायस न हो। मुझे डर है तो इस बात का कि बुतपरस्ती के खिलाफ मेरी कई सालों की मेहनत रायगा ना चली जाए। रहम कर, मेरी बीवी बच्चे को निजात दे दे। उन दोनों की निजात फद्दान के लोगों की बेदारी का बायस होगी। उनकी निजात इश्तार के बुतकदे की शिकस्त और शिर्क के मुकाबले यकता परस्ती की कामयाबी है। ऐ खुदा ऐ मेहरबान, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। इतनी रात गई, ये रोशनी कैसी? राहिल को होश आ गया। ये शुरू हो गया। राहिल, राहिल, राहिल। होने वाली है, लगता है आसमान भी राहिल के हाले जाकर रोना चाहता है।
ये खुदाओं के गैज़ो गज़ब की निशानी है, खुदाओं के गैज़ो गज़ब की आग ज़रूर बरसेगी, याकूब और उसके ख़ानदान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। इश्तारे बुजुर्ग, खुदाओं की हुरमत की पासदारी कर, गैज़ो गज़ब की आग याकूब के ख़ानदान पर बरसा दे। इसका मतलब है राहिल का बच्चा सलामत है। और वो इश्तार की बद्दुआ, ईस्टर का जादू। फद्दान के लोगों को अपनी अजीम कुदरत और ईस्टर का जादू सच कर दिखा दे। ईश्तार बुजुर्ग, हमें खुश कर दे। तू अपने मानने वालों को याकूब के खुदा की ज़बोहाली और मस्ती दिखा दे। मुबारक हो। दुरूद पर नबी खुदा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। नौ मौलूद का कदम मुबारक हो। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्र गुजार हूँ और उसे तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तलब खैर बरकत करता हूं। 11 साल से तुम्हारे इंतजार में है, इतनी देर क्यों लगा दी? पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? यूसुफ लड़के का नाम होता है या लड़की का? आपको कैसे पता चला? किसने बताया? उसी ने जिसने चंद लम्हे पहले इसके आने की खुशखबरी दी थी। ये बारिश भी तुम्हारे मुबारक कदमों की बरकत से है मेरे बच्चे। खुशामदीद। राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है। हमें उनसे क्या? तुम तो बारिश को देखो जिससे फद्दान को कहर से निजात मिलेगी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बारिश राहिल और याकूब के बच्चे की पैदाइश के साथ ही बरसना शुरू हुई है। तो क्या राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है? हाँ और क्या, देखा तुमने कितना मुबारक और खुशकदम बच्चा है।
आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाओ तुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करो, फद्दान में चरागा करो। हमें याकूब के खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शी और फद्दान को कहर से नजात दी।